पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लोगों को सौगात दी। सीएम योगी ने यूपी के स्कूलों में स्मार्ट क्लास कार्यक्रम की शुरुआत कर दी, बल्कि 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को टैबलेट वितरण कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने 94 शिक्षकों को सम्मानित भी किया। योगी सरकार न सिर्फ छात्रों को डिजिटल तकनीक से पढ़ाए जाने पर जोर दे रही है, बल्कि शिक्षकों को इस मुहिम के लिए टेक्नोलॉजी से लैस भी कर रही है। शिक्षक दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरुआत। अब स्मार्ट होंगे यूपी के स्कूल। शिक्षकों को डिजिटल तकनीक से लैस कर रही है योगी सरकार। उन 94 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को, जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है, जिनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व के कारण अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बना है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। लखनऊ में लोकभवन में शिक्षक दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने 94 शिक्षकों को सम्मानित किया। मंत्री महोदय स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के स्कूलों में स्मार्ट क्लास की भी शुरुआत की। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि शिक्षकों पर राष्ट्र निर्माण की अहम जिम्मेदारी है। हम शिक्षा के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाला पक्ष एक उज्ज्वल पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष उसका कृष्ण पक्ष भी है। कृष्ण पक्ष जब ट्रेड यूनियन की तरह कोई शिक्षक विद्यालय कार्यों से विरत होकर के दिन भर शिक्षा अधिकारियों के घर में या उनके कार्यालयों में बैठ करके अपनी वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसका एक कृष्ण पक्ष भी हम सबको पूरे समाज को देखने को मिलता है। और समाज भी उस व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखता है, उनके प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता है, एक तिरस्कार का भाव समाज के मन में दिखता है। यह उसका एक उज्ज्वल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। इन दोनों को ध्यान में रख करके शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं को समाधान की तरफ बढ़ाने का कार्य हम सबको करना होगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के लिए 2,09,000 टैबलेट वितरण कार्यक्रम की भी शुरुआत की। साथ ही सीएम योगी ने 18,381 स्मार्ट क्लास और 880 आईसीटी लैब का भी उद्घाटन किया। पान गुटखा तमाकू इसका सेवन न करें, इसके लिए भी अब एक शिक्षक को बताना पड़ेगा। विद्यालय में जाले न दिखाई दें, कहीं धूल न हो, प्लास्टिक का उपयोग न हो, कोई गुटखा तमाकू विद्यालय परिसर में न सेवन कर सकें। इस स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इस प्रकार की भावनाएं आनी चाहिए हमारे मन में, और एक शिक्षक अपने कृतित्व से भी आदर्श दिखना चाहिए और व्यक्तित्व से भी आदर्श दिखना चाहिए। इस रूप में जब हम कार्य करेंगे तब समाज के मन में एक श्रद्धा का भाव पैदा होगा। दरअसल योगी सरकार प्रदेश में 18,381 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कंपोजिट स्कूल्स और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में स्मार्ट क्लास तैयार करने जा रही है। इन स्कूल्स में दिलचस्प तरीके से ग्राफ और तस्वीर के जरिए पढ़ाई होगी। वहीं 2 लाख से अधिक शिक्षकों को टैबलेट भी मुहैया कराया जाना है। शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित राज्य अध्यापक पुरस्कार सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन योजनाओं का शुभारंभ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।